जानिए पूरी तरह से अंग्रेजों ने ताजमहल को ढक दिया था। ताजमहल 6 महीने तक बंद था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं पॉइंट की तरफ। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दुनिया में 7वां अजूबा ताजमहल के विध्वस्त का खतरा पैदा हो गया। उस वक्त ब्रिटेन ने अमेरिकी सेना के सहयोग से ताजमहल को बांस व बल्लियों से पूरी तरह ढक दिया था। ताजमहल दुनिया की सबसे अनमोल धरोहर है। सफेद संगमरमर से लिपटी मोहब्बत की एक मुकम्मल कहानी है। दुनिया भर के लोग इसे देखने के लिए आते हैं। ताज पर दुनिया की नजर भी रहती है, लेकिन इसी ताज पर एक बार नहीं बल्कि 3 बार खतरे के बादल मंडराए थे। खतरे से बचाने के लिए तत्कालीन शासन और प्रशासन ने इस विश्व धरोहर को बचाने के लिए इसे 3 बार ढक दिया था, ताकि दुश्मनों की नजर से बचाया जा सके। सबसे पहला वाक्य 1942 का है। तब दूसरा विश्व युद्ध शुरू ही हुआ था। भारत में तब ब्रिटिश सरकार का राज था। मित्र देश अपने दुश्मनों पर हमला कर रहे थे। दुश्मन देशों के वर्ल्ड फेमस स्मारक और नामचीन इमारतों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा था। तब अमेरिका और ब्रिटेन को खुफिया जानकारी मिली थी कि जापान और जर्मनी मिलकर ताजमहल को नित्यानाबूद करना चाहते थे। आगरा में स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के ऑफिस में सन 1942 में खींची गई तस्वीर। ऑफिशियल्स के मुताबिक उस वक्त भारत की मदद कर रहे मित्र देश अमेरिका, ब्रिटेन व अन्य को खुफिया जानकारी मिली थी कि जापान और जर्मनी मिलकर ताजमहल पर बम बरसाने की कोशिश करने वाले हैं। इसके लिए वे ताजमहल पर हवाई हमला करने का प्लान बना रहे थे। इसकी सूचना मिलने के बाद तुरंत ताज को ढक दिया गया। सरकार ने ताजमहल को निरंतर गिरने वाले बॉम्बर से सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रकार की घेराबंदी की। ताजमहल को बांस और बल्लियों से ढकने का फैसला किया। इसके बाद पूरे ताजमहल को ऐसा ढका गया जैसे वो बांस का गट्ठर लगे और दुश्मन के लड़ाकू विमान भ्रमित हो जाए। इतना ही नहीं, ताज पर ब्रिटिश जवान पहरा भी देते थे। किसी को भी यहाँ फोटो खींचने तक मनाही था। 188 दिन तक लगातार ताज के दरवाजे सैलानियों के लिए बंद रहे। दूसरी बार 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान ताजमहल को विशेष लिबाजा से ढका गया था। हालांकि इस बार ताज को सिर्फ 5 दिनों के लिए ही ढका गया था। तो वही 1971 में भी पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान भी ताज को हरे कपड़े से ढका गया था, ताकि पाकिस्तानी विमानों को ताजमहल की जगह हरियाली नजर आए। उस समय खुफिया रिपोर्ट मिली थी पाकिस्तानी वायुसेना आगरा में हवाई हमला कर सकती है। यह खतरा इसलिए भी था कि पाकिस्तानी बम वर्षक विमानों ने ताज से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर एयरफोर्स स्टेशन पर बम गिराए थे। वही इसके साथ चांदनी रात में ताज की जमीन पर लगे संगमरमर चमके नहीं, इसके लिए उस पर झाड़ियों को रखा गया और अन्य जगहों से झाड़ियों, पेड़ों की शाखाओं और टहनियों को मंगवाकर ताज को जंगल का रूप दे दिया गया था। इस कार्य पर उस समय 20,500 रुपए खर्च हुए थे। आपको बता दूं, युद्ध 4 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर तक चला था। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।